जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक गणित में। मैं लेकर आया हूं आपको आज प्रश्नावली 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको प्रश्न नंबर जो 2 है बच्चों, वो जरा आप अपनी बुक में देखिएगा या फिर पढ़िएगा। क्या है कि 2x + 3y = 11 है, ठीक है। 2x + 3y = 11 है आपका, और 2x - 4y = -24। 2x - 4y = -24, ठीक है। क्या है 2x - 4, तो इसको हल करना। 2x - 4y = 24 को हल कीजिए, और इनमें m का मान, ठीक है बच्चों। क्या है इसमें m का, जो आपको m दिया है ना, इसका मान निकालना है। जो m का मान क्या है, y बराबर जो है आपको दिया है mx + 3, इसका मान भी आपको निकाल लेना है। किसका, इसमें m का मान क्या आएगा वो भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हल, ठीक है। आपके ऊपर क्वेश्चन है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे हल, हल करना है आपको यहाँ से, ठीक है। चलिए, आपको लेना है क्या, सबसे पहले जो 2x दिया है ना, 2x + 3y = 11, ठीक है। 2x + 3y = 11, ठीक है। ये ले लीजिएगा, इसे मान लीजिएगा आप लोग समीकरण नंबर 1, समझ में आ रहा है ना, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 2x - 4y = 24, ठीक है। 2x - 4y = 24 बच्चों, इसे मान लो समीकरण नंबर 2, 24 माइनस का है आपका, ठीक है। 2x - 4y = -24, इसे हल करना है, और उसके बाद आपको मान किसका निकालना है, y बराबर mx + 3 का, ठीक है। तो उसमें m का मान आपको निकालना है, तो पहले इसको हल करिएगा। कौन सी विधि लगा लेता हूं मैं, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। चलिए, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों। क्या है, प्रतिस्थापन विधि लगा दी मैंने। तो प्रतिस्थापन विधि जब आप करते हो, हल करते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले एक समीकरण लेना होता है, या एक या दो, ठीक है। तो कोई सा भी ले लीजिएगा, मैं यहां पे ले लेता हूं आपका समीकरण एक से, ठीक है। समीकरण एक से, एक समीकरण क्या है बच्चों आपका, 2x + 3y = 11, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है x का मान जो है वो निकाल लेना है। सबसे पहले क्या करना है, x का मान, तो x का मान निकालोगे तो आपका हो जाएगा, देखिए ये 3x इधर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 11 पहले से इधर, और क्या हो जाएगा, माइनस का 3y, ठीक है। और क्या, जो 2x है ना, यहाँ पे x लिखा हुआ, तो 2 ये जो है इसके बटे में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये समीकरण आपका बन जाएगा तीसरा, ठीक है। इसे मान लीजिएगा आप लोग समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो आपको तीसरा समीकरण मिला है, ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ पे एक तो आपको तीसरा समीकरण मिला है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो तीसरा समीकरण है उसमें x का मान है, तो x का मान आपको रख देना है समीकरण नंबर 2 में। यहाँ पे मैं लिखता हूं x का मान, का मान समीकरण, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, समीकरण 2 में रखने पर बच्चों, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 क्या है आपका, 2 है 2x - 4y = -24, ठीक है। ये समीकरण आपका क्या है, 2 है बच्चों। इसी में आपको ये वाला समीकरण यहाँ पे रख देना, कहाँ पे, जहाँ पे x है वहां, तो x के गुणा में क्या आ जाएगा, 2 है, तो 2 तो लिखा रहेगा और बाकी ये माना जाएगा, यानी कि 11 - 3y / 2 -4y = -24, ठीक है। इस तरीके से रख देंगे, देखिए इसका आप 2 से 2 को ये काट भी सकते हैं, ठीक है, 2 से 2 को आप काट सकते हैं, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा आपका, क्या बचेगा यहाँ पे, 11 माइनस का 3y माइनस का 4y, और 11 बचेगा, या तो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो उधर चला जाएगा आपका, सीधे सीधे उधर ही भेज देता हूँ, ये 11 उधर, यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, ठीक है। +11 = -24, तो अब क्या होगा, अब 4 और 3 जुड़ जाएगा। देखिए ये ध्यान रखना, ये क्यों जुड़ेगा, आप तो कहेंगे दोनों माइनस के हैं सर जी, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो तभी तो जुड़ेंगे, क्योंकि समान चिन्हों वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। चलिए, तो 4 और 3 माइनस का 7y = -24 और -11, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलिए इधर करता हूं, तो माइनस का 7y है और 24, और ये 4 और 1 5 और 3
ये हो जाएगा, यानी कि माइनस का 35 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बच्चों, अब y बराबर माइनस 35 बटे माइनस 7, ठीक है, ये जो गुना में है ना y के साथ, ये बटे में इधर आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा और 7 × 5 = 35, यानी कि जो y का मान है आपका कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे, यहाँ तक आप समझ गए ना, y का मान आपका कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या करना है आपको, देखिए जो y का मान 5 आया है आपका, उस मान को आप समीकरण 3 में रख देंगे, जो आपको समीकरण 3 मिला था यहाँ पे जो बना था आपका, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे। तो क्या करना है, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, में रखने पर, ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों, 3 में रखने पर, 3 कौन सा है, ये वाला, ये पूरा समीकरण लिखेंगे, ठीक है, जो ये x बराबर माइनस 11 माइनस 3y/2, तो x बराबर 11 माइनस 3y/2, x बराबर 11 माइनस 3, y का मान रखना ना आपको, y का कितना है 5, तो 3 के गुणा में y है, तो y के 3 और y गुणा में है, तो 3 के गुणा में कितना रह जाएगा, 5/2, x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 5 3 15, ठीक है, माइनस 15, एक मिनट, 11 माइनस 15, ठीक है, 11 माइनस 15 हो जाएगा आपका, ठीक है, तो 11 माइनस 15 हो जाएगा, 11 से आपका जो है बटे 2, ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 15 से आपका 11 निकल जाएगा, माइनस का 4 से, माइनस 4/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2, x का मान कितना आया आपका 2, ठीक है, x का मान आपका कितना आ गया बच्चों, माइनस का 2, ठीक है, समझ रहे हो ना बात, x का मान आपका आ रहा है माइनस का 2, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है, x का मान कितना आ रहा है आपका, माइनस का 2 आ रहा है। अब क्या करना है, अब आपको ये निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है आपको, ये निकलवा रहा है, ये आपको निकलवा रहा है y जो है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अब m का मान प्राप्त करने के लिए, m का मान निकाल रहा ना, प्राप्त करने के लिए, समझिएगा, m का मान प्राप्त करने के लिए x और y का मान रखने पर, ठीक है, प्राप्त करने के लिए x और y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रख दो बच्चों, क्या है आपका समीकरण, क्या ये दे रखा है, y बराबर m x माइनस 3, ठीक है, y बराबर m x प्लस 3 है, ठीक है, m x प्लस 3, तो y का मान आपका 5 है, यहाँ पे 5 रख दीजिएगा, बराबर m का मान पता नहीं, x का मान कितना है, माइनस 2 है, प्लस 3 है, तो माइनस 2 m हो जाएगा, और ये क्या 3 इधर निकल जाएगा आपका, इधर आ जाएगा, यानी सीधा लिख देता हूँ मैं, माइनस 2m इक्वल टू माइनस 5+3, ठीक है, तो 3 माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 3 घट जाएगा ना, सीधा लिख दिया केवल, ठीक है, बाकी ये इधर ही रहा, सीधा लिख दिया मैंने, तो 5 से 3 निकल जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि m बराबर आपका बचेगा 2/-2, 2 से 2 कट जाएगा, m का मान कितना आ जाएगा, ठीक है, m का मान कितना आ जा रहा है बच्चों, आपका माइनस का मान होगा, ठीक है, क्या आ रहा है आपका, m का मान आ रहा है बच्चों माइनस का 1, ठीक है, समझ गया ना, m का मान कितना आ गया 1, बस यही तो पूछ रहा था सवाल आपका, यही तो पूछ रहा था, बस कुछ भी नहीं है ना इसमें, समझ गया मैं पूरा, ठीक है, तो क्या है आपको mx का मान जो पूछ रहा था, m का, यहाँ पे m का मान पूछ रहा था, तो आपका m का मान माइनस 1 आएगा, पहले आपने क्या किया, पहले आपने भाई x का मान जो है निकाला, यहाँ पे इस तरीके से आपको मिला, लेकिन ये निश्चित मान नहीं मिल पाया, तो x का मान, ये वाला मान आपने समीकरण 2 में रख दिया, समीकरण 2 में रखने के बाद आपने क्या किया बच्चों, इसे हल करा, हल करने के बाद यानी कि आपको y का निश्चित मान प्राप्त हो गया, वो कितना मिला 5, उस निश्चित मान को आपने, y का जो निश्चित मान आया है 5, उस मान को आपने क्या किया, उसमें आपने जो है रख दिया समीकरण नंबर 3 में, इस वाले समीकरण में, ठीक है, समझ में आ रहा है, 3 में रख दिया, आपको माइनस का 2 प्राप्त हुआ, अब आपको y बराबर एम एक्स प्लस 3 निकालना, तो m का मान उसमें निकालना है, ठीक है, y बराबर एम एक्स प्लस 3 से y का मान, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अब m का मान प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इसी सवाल में m का मान आपसे पूछा गया, तो वो प्राप्त करने के लिए आपको y और x का मान रख देना होगा, क्योंकि y का भी मुझे पता है और x का भी मुझे पता है, ये माइनस 2 आया,
तो वही तुम्हारे क्या है, यहाँ पे माइनस दो रख दिया तो माइनस टू एम एक्स हो जाएगा, और पाँच से ये तीन घटेगा तो दो बचेगा, ठीक है। तो दो ये माइनस का है, ये बटे में चला जाएगा, तो दो 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 से दो को भाग करोगे एक बचेगा, वो माइनस का बचेगा, ठीक है। पूरा सवाल जो है आपको समझ में आएगा, देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है।